माइक इनको दे दो, हमारे जनार्दन महाराज को। जय हो। गुरवे गौरचन्द्रराधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वाच्यकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानलंबितभुजो कनकाम्बदातु संकीर्तने कवितरो कमलायताक्षो विश्वंभरगजवरजगधर्मपालो वंदे जगतप्रियकरो करुणावतार। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरा श्री श्रीरूप दुर्गतजने दयार्भुलोके हे भट्ट जुग्म सुमते रघुनाथ दास जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वारंभे पदे गुरुपाद पद्म शिष्यम भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी गुरु महाराज के हमें चरणार विंद में संग कोटि प्रणाम पद ज्ञापन करते हैं उनका ये कृपा शक्ति की श्रीमद्भागवतम की दसम स्कंध की भूमिका जो है अभी चल रहा है, तो हम लोग श्रवण कर रहे थे जिस समय भगवान श्री ठाकुर जी देवकी के घर में छह पुत्र के बाद सप्तम घर में बलदेव प्रभु को जो माया शक्ति के द्वारा देवकी के घर से रोहिणी के घर में स्थापन किया जाता है, उसके बाद श्री ठाकुर जी आएंगे। इसीलिए वहां पे एक श्लोक सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर अंश भाग्य न मन अनेक आनंद द्वंद भी है। मन आनंद द्वंद भी यहाँ पे वसुदेव महाराज जी अति प्रफुल्लित है, और जो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो कृष्ण आ रहे हैं तम बालक अद्भुतम, कृष्ण अद्भुत बालक है, जो तो साधारण बालकों की भांति नहीं है। इससे पहले कि कोई व्यक्ति इसमें अपना साधारण मत स्थापन कर दी या भगवान को साधारण समझ ले, इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे भगवान शब्द विशेषण यहाँ पे लगा रहे, भगवान कह रहे। इसे भगवान मतलब कल गुरु जी बता रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति के पास बहुत ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य के अधिपति होने के नाते उसे धनवान कहा जाता है, जो व्यक्ति के अंदर दया ज्यादा है उसे दयावान कहा जाता है। इसी प्रकार से जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य का जो आलय है उसको ऐश्वर्यवान अर्थात भगवान कहा जाता है। छह भग होते हैं, इसमें पराशर ऋषि एक श्लोक के माध्यम से कल हमने श्रवण किया था, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रीयः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भग। ये छह प्रकार का जो भग है, भग मतलब ये छह प्रकार का जो क्या है, ऐश्वर्य है, स्त्री है, यश है, ज्ञान है, ये समस्त को भग कहा गया है। जो पूर्ण मात्रा में जिस व्यक्ति के पास ये छह चीजें रहता है वही भगवान। तो वो क्या क्या है, हमने कल श्रवण किया था, ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य। ऐश्वर्य कितना है, कल हम प्रभु जी बता रहे थे कि जिस समय लक्ष्मी वृंदावन आने के लिए सोचती हैं, इस वृंदावन धाम में
इतना ऐश्वर्य है, तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी भी, लक्ष्मी को आज तक किसी ने भी पूर्ण मात्रा में अपना नहीं बना पाया। और बहुत बड़े बड़े जो धनी लोग होते हैं वो भी चकमा खा जाते हैं, कब लक्ष्मी उनके पास आकर के छूट के भी चले जाते हैं। परंतु जो लक्ष्मी जहां पे स्थिर रहती है वह है नारायण जी, परंतु उस नारायण के जो मूल है कृष्ण, कहते हैं वो इतने ऐश्वर्यवान है कि वो लक्ष्मी को भी आकर्षित करने वाले। जैसे उदाहरण की तरफ मान लीजिए कि किसी के पास 10 रुपए है, वो हमेशा 100 रुपए वाला व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है। 100 रुपए वाला को थोड़ी जरूरत है कि वो 10 रुपए वाले के पास क्यों आएगा भाई। इसीलिए जो नारायण के पत्नी लक्ष्मी है तो वो इतने सामंतानी लक्ष्मी होने के बाद भी, क्योंकि कृष्ण इतने वो ऐश्वर्यवान है तभी कभी आकर्षित हो जाते हैं उनके रूप के प्रति। तो कहते हैं कि चिंतामणि धाम है ये, एक एक धूली कणा के अंदर मन कल्पित चिंता को वांछा करने की सामर्थ्य, पूर्ण करने की सामर्थ्य जिसके अंदर है, उस वृंदावन धाम की एक एक धूली कणा में इतना समर्थ है। एक एक वृक्ष वहां पे कल्प वृक्ष है, मतलब जो भी मन कल्पित वांछा आप वहां पे प्रकाश करो आपको देने में वो समर्थ है। एक एक गाभी सुरभि गाभी है, मतलब एक सुरभि गाभी स्वर्ग लोक में है, कभी दूध की कमी नहीं है। एक सुरभि गाभी पूरे ब्रह्मांड को दूध में तृप्त करा सकती है। कहते हैं वहां पे ब्रजधाम में वृंदावन में हर एक गाभी सुरभि गाभी है। यार जरा सोचो कितना ऐश्वर्य होता है भगवान के पास। हमने सुना था ना जब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो रहा था, तब नंद महाराज जी बुलावा दिए, सब लोग आ रहे थे और महाराज जी ने इतना लुटाए। वो कहते ना नंद बाबा ने दियो इतनो ना बच्ची बच्चिया ना छचिया ना पिछोरी। नंद बाबा ने इतना लुटाया ना बछड़ा भी बच गया, ना छचिया चुनवर छाज तक भी नहीं रहा, ना पिछोरी अंगोछा तक भी नहीं रहा। तो कोई किसी ने प्रश्न किया, बाबा आपने इतना सब कुछ दे दिया, घर पे कुछ तो रख लो। बोले उन्होंने बोले कि अगर मेरे को अर्थ दे करके परमार्थ प्राप्ति करना है तो मैं सब जाऊं क्यों, क्योंकि परमार्थ कौन है, कृष्ण, वो तो मेरा बेटा है। अब जब परमार्थ आ गया इन अर्थों का क्या लाभ है, और अगर परमार्थ आ जाते तब भी अर्थों का क्या लाभ है। तो इतना दिया, जब वे दे रहे थे ना तो वहां पे भी कुबेर जी आकर के मन मन में सोच रहे कि भैया मेरे को तो ठाकुर जी ने वैसे के झूठे मोटे कुबेर धन का मालिक बना दिया, ये नंद बाबा तो इतना दे रहे इसका कि कोई कितने करोड़ों करोड़ों कुबेर को भी निकल जाएंगे, इनके पास इतना समर्थ है। तो कुबेर जी भी लाइन पे आकर के लग जाते हैं। लक्ष्मी जी भी क्या करके आते हैं, नंद बाबा के लाइन में आकर के खड़े हो जाते हैं। जब ठाकुर शंकर जी को पता चलता है तो शंकर जी भी आते हैं, और ठाकुर उस समय नंद बाबा क्या दे रहे थे, हाथी घोड़ा पालकी, और इनका जो शिव जी का जो वाहन है वो कौन है, नंदी है। तो जब नंदी को दे रहे थे और बाबा क्या दे रहे थे, गौ दान कर रहे थे ना, तो इनके जो गाड़ी पे ये बैठ के आए थे, जो नंदी के ऊपर बैठ के आए थे शिव जी, अब इन्होंने देखा भैया नंद बाबा तो गाय की दान कर रहे हैं, अगर मान लो गाय को समझते हुए मेरे वो नंदी को दान कर दिया तो फिर एक ही गाड़ी है मेरा, मैं कैसे जाऊंगा कैलाश तक। इसलिए उन्होंने उसके पूंछ को लपेट कर अपने पास रख लिया। पार्वती भी वहीं पे आई थी, तो पार्वती ने देखी कि भैया ये तो हाथी घोड़ा भी दे रहे हैं और मेरा बेटा का सूंड क्या है, हाथी ही तो है, अगर मेरे बेटे के सूंड पकड़ कर किसी को संकल्प कर दिया तो जयराम जी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने भी अपने पास उनको लपटा के रख लिया। तो इस प्रकार से दान दिया जा रहा था, सातों तीनों के पर्वत उखराज मनी चढ़ी हुई गायों के खुर को मड़वा करके और ऐसा दान कर रहे थे कि जगत भी चकित हो रहा था, क्योंकि सर्वभूता लक्ष्मी स्वरूप राधा रानी का वहां पे कौन है, प्रियतम का जन्म उत्सव है। तो इतना है उनके पास ऐश्वर्य। जरा देखो ना कितने कितने बार इंद्र के मान कर खंडन किया, कुबेर के मान खंडन किया। तो ये है भगवान का ऐश्वर्य। भगवान के वीर्य कैसा है, भगवान कल सुन रहे थे 6 दिन का बालक जो करवट भी लेना जिसके पक्ष में संभव नहीं है, वो बालक दूध पीते पीते पुत्रा मौसी को मार दिया, समझ रहे हो ना, तो कितना बल होगा उनकी। ठाकुर जी वराह भगवान अपने दांतों में क्या उठा के ले आए, पृथ्वी को उठा के ले आए। तो जो व्यक्ति कहता है कि भैया ठाकुर जी हर कोई किसी को भगवान मानता है, तो उनको इस परीक्षा से आप बताओ जरा जाकर कि भैया आप ही ऐसा कुछ चमत्कार कर सकते हो, तो फिर आप ही भगवान बन जाओ।
उनको तो छोड़ो, उनके भगवान के भक्तों को देखो जरा। हनुमान जी जब छोटे थे ना, तो वो उन्होंने इतना बड़ा सूर्य को निगल दिया, तो उनके भक्तों के अंदर कितनी शक्ति है, ब्रह्मांड तारे का शक्ति धरे धने धने। तो इसलिए भगवान के ऐश्वर्य के साथ कोई भी, जो वीर्य के साथ कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, और पूर्ण मात्रा में है। और कहते हैं स्त्री है, इतने सुंदर है कृष्ण। जब वृंदावन में दो पक्ष है, एक राधा जी का पक्ष है, एक चंद्रा के पक्ष है, चंद्रावली के। तो जब राधा रानी चंद्रा को भेटती है, तो कहते हैं चंद्रावली कहती है कि राधे आज तुम्हें कृष्ण को जी भर के देख ली। तो राधा रानी कहते हैं अरे चंद्र, ध्रुत सखी तू तो बड़ी सौभाग्यवान है। क्यों? क्योंकि तूने तो आज मेरे श्याम सुंदर को पूर्ण रूप में देख ली। पर मेरा जरा वो सोच कि जब मैं कृष्ण के चरण में नजर डालती हूँ, निगाह डालती हूँ, तब चरण से उत्थान होकर के उनकी नजर कहीं अन्यत्र जा ही नहीं सकती, तो मैं तो बड़ी अभागी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो पूर्ण रूप में भगवान की स्वरूप को, माधुर्य को, लावण्य को आस्वादन ही नहीं कर पाया। कुरुक्षेत्र के समय, जब चंद्र ग्रहण के समय ब्रजवासी गए थे, रुक्मिणी जी का और सत्यभामा का मन हुआ कि भैया ठाकुर जी तो बड़े राधा ललिता विशाखा का नाम पुकारते पुकारते पागल हो जाते थे, ये ब्रज ग्वालिनी है इतने सुंदर है कि हम जरा जाकर के देख के तो आते। तो रुक्मिणी जी आई और आकर के ना उस जो तंबू लगा हुआ था वहां पे पहुंची, और जाकर के किसी एक व्यक्ति को बोले कि मेरे को राधा जी के दर्शन करना है। अब उनको किसी ने पता बताया, अब वो टेंट के अंदर जैसे ही घुसे, इतने में देखा कि एक बहुत सुंदर अपूर्व छटा, अपूर्व सौंदर्य से विभूषित होकर के कोई एक स्त्री उनकी ओर सम्मुख चली हुई आ रही है। उनको देख करके रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। अब उनकी जो सौंदर्य को देख करके रुक्मिणी बेहोश हो जाती है, तो वो सखी आकर उठाती है, अरे आप क्यों बेहोश हो गई, आपको क्या हुआ? तो वो कहते हैं हे राधे मेरे प्रणाम स्वीकार करो, अरे हम कोई राधे वाधे नहीं है, हमारे स्वामिनी राधे तो अंदर कक्ष में विश्राम कर रही है, जाओ उनकी। ऐसे एक दूसरे को देख करके, कभी ललिता जी को देखकर बेहोश होते, कभी रूपमंजरी को देख करके, अंत में वो राधा जी को पूर्णतया दर्शन नहीं कर पाती है। जब राधा जी कृपा करते हैं तब रुक्मिणी को अंश रूप में दर्शन होता है। इसीलिए देखो इस जगत में जितनी सुंदरता है ना, इस जगत की जितनी भी सुंदरता है, उसको अगर मिला दिया जाए उसका कई हजार गुना एक अप्सरी का सुंदरता है, और स्वर्ग में जितने अप्सरियां है उन अप्सरियों की सुंदरता को मिला दिया जो जो इंद्र की पत्नी सची है उसकी सौंदर्य के साथ आप बराबर कर सकते हो। करोड़ों सचियों की सौंदर्यता एक लक्ष्मी, और करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जीओं का जो सौंदर्यता है उसके भी बराबर कोई नहीं कर सकता है राधा जी की सौंदर्यता। जरा सोचो, अगर राधा जी की सौंदर्यता का कोई बराबरी नहीं कर सकते, राधा जी जिनको देख करके मोहित हो जाती है, वो श्याम सुंदर कितने सुंदर नहीं होंगे, इसी बात से पता लगा जाता है। और हमारे बुढ़ापे में हम क्या करते हैं, एक समय होता है ना जवानी में, जब जाते हैं हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, एक समय होता है जवानी में शीशे के सामने हटने से जी नहीं करता, एक समय बुढ़ापे में शीशे के सामने जाने की इच्छा नहीं करता। हमारे सौंदर्य कैसा, भगवान के सौंदर्य कैसा होता है, समझ रहे हो ना? ये है, पर भगवान की सौंदर्यता नव किशोर नटवर, मतलब हमेशा 11 से 14 साल तक ही रहता है। उसके बाद कहते हैं कि भगवान की ज्ञान कैसा, यश कैसा है। आप लोगों ने, लोगों की यह तो बहुत सुना होगा, इस समय जो हवा चल रहा है मोदी जी का चल रहा है, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये यश है। कितने साल तक रहने वाला है, ज्यादा 10 साल और है ना। पहले अटल बिहारी वाजपेयी का था, उससे पहले जिस क्षेत्र में जिस चीजों ने अच्छा अच्छा काम किया, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन लोगों का चलता है, पर कब तक चलता है, कुछ समय तक चलता है। आप जरा बताओ हनुमान चालीसा हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप जरा बताओ यही महामंत्र को हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यही ठाकुर जी की आरती को हम कितने सालों से करते हुए आ रहे हैं। क्या यश कम हो गया ठाकुर जी का, यश कम हो गया क्या? अरे आज हर घर घर में भागवत की पारायण होता है, क्यों? इनकी यश जो है ना भगवान की यश है, इसीलिए कभी क्षय नहीं होता, और हमारे यश हमेशा क्षय हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं ज्ञान, भगवान की ज्ञान कैसा है। भगवान एक ज्ञान, बहुत सी साधारण ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया था, और उसी ज्ञान को लेकर के कितने चर्चा छेड़ चुकी है, कितने वरिष्ठ वरिष्ठ विद्वान, केवल भारत के नहीं है, फ्रांस के नहीं है, अमेरिका के नहीं, कितने बड़े बड़े विद्वान भी उसमें तर्क वितर्क करके नए नए ज्ञान को निकाल करके लाते हैं। 700 श्लोक ही तो है वो, 700 श्लोक ही तो है।
अरे जो व्यक्ति कहता ना अरे इन गीताओं को पढ़ते हो संसार चलेगा क्या, अरे भैया इसी ईसा को पढ़ करके ब्रह्मा जी तुम जैसे जीवों को चला रहे, इतने बड़े बड़े मशीन तैयार कर दिया इन्होंने इसी गीता के ज्ञान के बल पर, तो कोई नहीं बराबरी कर सकता भगवान के ज्ञान। अरे एक एक जीवों को किस समय क्या दुर्घटना घटाना है, किस समय उसके पाप पाप से उसको निवृत्त कराना है, किस समय उसको पुण्य से प्रवृत्त कराना है, हर एक कर्म की ज्ञान देकर के एक इतना बड़ा शरीर दिया जाता है, किस हिसाब से उसको कौन से कर्म के हिसाब से कौन सी योनि देना है, वह सब भगवान एक जगह पे बैठे बैठे करता है। जाओ जरा जाके देख लो करोड़ों ब्रह्मांड है और करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों अनंत जीवों की जो कर्म को किसने याद रखा है, भगवान कभी बराबरी हो सकते हैं, कल क्या खाए थे कुछ पता नहीं चलता और हम चले भगवान बनने। कहते वैराग्य, वैराग्य कैसी है, भगवान एक सेकंड में ना जब भगवान सोते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड को ध्वंस कर देते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड को सृजन कर देते हैं। मान लो हमारे अंदर वैराग्य क्या है, वैराग्य अंदर निराशक्ति भाव, किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं है। हम एक घर बनाते हैं 10 साल मेहनत करके बहुत सुंदर घर बनाए, अगले क्षण उसको वो डिनामाइट लगा के उड़ा देंगे, उड़ा सकते हैं क्या, उड़ा सकते हैं नहीं उड़ा सकते हैं, क्या कारण है, हमारे अंदर वो वैराग्यता नहीं है। परंतु भगवान की वैराग्य देखो, एक सेकंड में करोड़ों ब्रह्मांड को सृजन करते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड को वो क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, किसी भी प्रकार का वो नहीं है। एक समय भृगु महाराज जी ने बता सारे ऋषि मुनियों के ना एक चर्चा छिड़ गई कि कौन है भगवान, कैसे पता चलेगा, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ये भगवान होते हैं। बोले चलो ठीक है तीनों भगवान होते, कोई कहा कि शिव जी भगवान है, कोई कहा विष्णु भगवान है, कोई कहा ब्रह्मा जी भगवान है, तो इसको देख करके ना थोड़ा सोच में पड़ गए सब लोग। तो भृगु मुनि ने बोले कि चलो मैं परीक्षा लूंगा। देखो यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि भृगु मुनि जानते नहीं थे कि वास्तव में कौन भगवान है, इसलिए वो परीक्षा लेने गए। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में इसका निराकरण करते, उनको पता था परंतु उन्होंने वास्तव में भगवान कौन है दर्शाना चाहते थे। तो भृगु मुनि चले, भृगु मुनि सोचे कि भगवान तो विष्णु है परंतु परीक्षा करनी है। अब जब इन्होंने शिव जी के पास आए, ब्रह्मा जी के पास आए, तो ब्रह्मा जी उस समय बड़े तपस्या में लीन थे। अब जैसे भी आए तो गुरु जी कह रहे थे ना कोई वैष्णव आते हैं, मान लो हम अगर आरती भी कर रहे हैं, कोई वैष्णव आते हैं उस समय अगर कोई उनको अभिवादन करने के लिए नहीं होता ना, तुरंत वही भक्ति रखो, तुरंत वही के वही सब रखो और तुरंत उनको जाकर के पूछो कि आप ठीक है, पानी के गिलास आरती से बीच में भी उठ करके। तो जब उन्होंने देखा भृगु महाराज जी आए, उन्होंने अपना तपस्या त्याग और उनके पीछे चल पड़े कि आओ आओ पुत्र तुम कैसे हो। बोले अरे आप तो दूर रहो, ऐसे करके उनको जब अपमान किया तो ब्रह्मा जी को पता है ये आए हैं परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा जी यहाँ पे जानते हैं अगर हम इनको इनकी जो मंद तिरस्कार को अगर हमने सहन कर लिया तो मैं भगवान बन जाऊंगा। और वास्तव में जो भगवान है, जो विष्णु को ये प्रमाणित करने के लिए आए हैं, वो कभी प्रमाणित नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने क्रोध प्रकट किया और उनको मारने के लिए दौड़े। तो भृगु महाराज जी जो है, भृगु ऋषि जो है, वहां से चले गए और उन्होंने जाकर के बोले अरे ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, उनको तो बात बात में क्रोध आ जाता है। अब कौन बच गए, शंकर जी और विष्णु जी। तो शंकर जी के पास गए और ये बड़े भाई लगते हैं, तो जैसे इनके पास पहुंचे, अब इन्होंने भी अपने पार्वती को त्याग करके भाई के पास आए, और जैसे आए इन्होंने बोले अरे साफ सुन जटाजूट को धारण करने वाला, संसार में अघोरियों के भांति रहने वाले तुम क्या जानो, ऋषि मुनियों के सम्मान कैसे होती है, दूर रहो परे हटो। बस इतना सुनते ही वो कौन है, देवदेव महादेव है ना, तो उनको आया क्रोध, उन्होंने भी उसके पीछे पड़ गए और भृगु मुनि जैसे तैसे अपना जान जू बचा करके और वहां पे आ गए कि भैया ये भी नहीं हो सकते। अब बाकी कौन रह गए, विष्णु रह गए। तो वो ब्रह्मांड के बाद जो वैकुंठ लोग है वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा कि विष्णु जी जो है, जो क्या नाम है, अनंत सैया पर वो बैठ करके लक्ष्मी उनकी पद संभाल कर रही है और विष्णु जी बड़े आराम से मतमस्त होकर निद्रा में है, बड़े सुकुमार रूप था उनका। अब जैसे भृगु महाराज पहुंचे, उन्होंने जो परीक्षा लेना था ना, जगत में ऐसा कोई भक्त भगवान का परीक्षा नहीं लेता है, एक लात कस के उठाए और मारे उनके बक्षे तल पर और तुरंत भगवान ने सारे इंद्रियों उनका जो है ना एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया और उठ करके तुरंत भृगु मुनि के पैरों में पकड़ लिए। आप बताओ किसी को इंसल्ट करना हो ना, भाई लोग जो है होते हैं उनको इंसल्ट करना है ना, अकेले में इंसल्ट कर दो,
अगर पत्नी के सामने कोई दो चार शब्द बोल देते ना, उस दिन क्या, उस रात क्या, दो दिन तक उसको नींद नहीं आती, खाना नहीं खाते, क्योंकि बड़ी इज्जत हो जाती है अगर पत्नियों के बीच में। अरे जा तुम्हारे तो सब मेरे को पता है, उस दिन उसने ऐसा नहीं बोला था तुम्हारे पे, तो ऐसे ऐसे तो ताने मारते हैं। इसीलिए पत्नियों के सामने बेइज्जती करना बहुत भारी पड़ता है। अब ये विष्णु है, सारे लोगों के मालिक है, और हर बार ढीक आते हैं, अर्जुन मेरे से बड़ा कोई नहीं है, अर्जुन मैं सब कुछ हूँ, अरे मेरे से सब। अब लक्ष्मी जी के सामने जब उनको मारते हैं, लक्ष्मी जी को वो क्या देखें, और लक्ष्मी जी को क्या मतलब, भृगु जी को क्या श्राप दे। भृगु जी के चरण पकड़ के कह रहे, प्रभु इतना सुकुमार चरण कमल आपके कोमल, और मेरा जो छाती है वक्षस्थल है वज्र की भांति है, आपको कोई कठिनाई तो नहीं आई, आपको कोई भी ठोकर मार गए, आपको कष्ट तो नहीं हुआ, समझ गए भैया। वैराग्य की जो परिसीमा है तो भगवान है। अरे वो भगवान अगर वैराग्य नहीं होता, जब अर्जुन युधिष्ठिर लोग सो जाते थे, उनकी घोड़ों की पैर दबाते क्या, उनके झूठे पत्थर उठाते क्या रासुई यज्ञ में, तो ये भगवान के वैराग्य। तो इसमें फिर बाद में जो कहते हैं भगवान अभी विश्वात्मा, यानी कि यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे कि विश्वात्मा मतलब विश्व की जो बीज स्वरूप है वो कृष्ण परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के जीवों के अंदर है। तो जब वो अंश भागे न, जब वो देवकी के घर में आते हैं, तो वसुदेव महाराज जी बड़े प्रफुल्लित होते हैं। यहाँ पे आगे चल करके टीकाकर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है, वो कहते हैं कि इनकी जो भगवान किस प्रकार के संबंध से, माता पिता के किस प्रकार के संबंध को ग्रहण करके आते हैं। तो गुरुदेव ने बताए थे जब भगवान आए सबसे पहले कहां पे आए, वसुदेव महाराज जी के हृदय पे आए, और वसुदेव महाराज जी उस समय इतने उत्फुल्लित हो गए कि उससे वसुदेव महाराज जी ने क्या किया, उनको देवकी को कथा सुनाए। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब वो कथा सुनाए तो वो शब्द ब्रह्म के रूप में आए। शब्द ब्रह्म यानी कि कौन, किस किस रूप में, जब कथा है, जो कथा को सुनते सुनते हमारे इंद्रिय के अंदर जो कथा पराशक्ति में बदल जाती है, जड़ जो इंद्रिया है वो पराइंद्रिया में बदल जाती है, तब हमारे इंद्रियों के अंदर भगवान अवतार लेते हैं। तो यही कथा जो है, वसुदेव महाराज जी मानव गुरु के रूप में शिष्यों को क्या दिया, शब्द ब्रह्म की ज्ञान दिया, यानी कि गुरु मंत्र दिया, और वही गुरु मंत्र जब फलीभूत हुआ तो कृष्ण देवकी रूपी शिष्य के गर्भ में कृष्ण रूपी भगवान अवतार लिया है। तो यह टीकाकार कहते हैं इसी प्रकार से देवकी के गर्भ में पहले शब्द के रूप में भगवान आए, कथा कीर्तन के माध्यम से आए, उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा है कि जो भी माताएं, जो भी पत्नियां गर्भवती होती हैं, उनको हमेशा क्या करना चाहिए, उस गर्भावस्था के समय में क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीला में ग्रंथों को अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पे एक और बात बता दें कि जिस समय नंद ने देखा कि भैया 6 बच्चे तो मर चुके हैं, 7वां बच्चा वो भी गर्भपात हो चुका है, तो 8वां बच्चा को, जैसे 8वां बच्चे को देखने के लिए कंस आया, तो उसने क्या देखा, 8वां। तो जब उसने आकर के देखा कि देखो बहुत तेज पुंज है, और क्योंकि उसके घर में कौन है, अनंत तेजो पुंज की जो आश्रय है भगवान है, कृष्ण है, उनके घर में है समाहित हुए हैं। तो एक तो उसका हिम्मत भी नहीं हुआ कक्ष का कि मैं अगर मारूं तो कैसे मारूं इसको, और दूसरी बात वो नैतिक दृष्टिकोण से सोच रहा है, यदि मैं देवकी को आज हत्या कर दूं तो एक साथ उसके पेट के अंदर बच्चा भी और दूसरा देवकी दोनों मर जाएंगे ना, तो आगे आने वाला समय मेरे को कभी भी मतलब क्षमा नहीं करेगा और हमेशा ताना मारते रहेंगे। इसीलिए उसने क्या किया, एक ही प्रकार से छोड़ दिया। और दूसरे प्रकार से उसने क्यों छोड़ दिया कि कहते हैं जो ये कंस है, कंस देख रहा है परंतु उसका जो इंद्रिया है वो उसको प्रवृत्त नहीं करा पा रहे। कारण ये है कि देवकी के घर में साधारण कोई पुत्र नहीं आया, कौन आया है, भगवान आया है, भगवान के सामने अच्छे अच्छे में भी पैंट ढीला हो जाता है, इसी कारण से कंस ने देख मांसा कर। गौर ब्रह्मानंदे हरे कृष्ण। अभी 5 मिनट कथा कर देते ठीक है, अभी आरती आरती कर लो, प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा मेरे प्रोग्राम पे, और आरती कौन करेगा।
नहीं अभी वहाँ कोई नहीं होंगे मुझे लगता है, वहाँ जाएंगे तभी कोई नहीं होगा, जल्दी आरती करके चले जाओ। अभी कोई 5 मिनट में कथा दूसरा तुम आरती तैयार कर जा। ओ गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदशत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग गुरु प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदशत श्री श्री श्रीमद भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवों के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग गत कल्याण श्रवण कर रहे थे, कल सा अभी दिन रात अभी अपना काल का चिंतन करता है, उठते बैठते सोते जाते हैं केवल कृष्ण 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 चिंता कर रहा है, इसलिए चिंतन करते हुए डर रहा है। लेकिन जब जी भगवान का चिंतन करता है डर भय से दूर हो जाता है, सब विपत्ति सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम ले। लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, अभी भगवान का चिंतन करते करते अविष्ट होकर भी ये अभी डर रहा है। कहते भक्त और अभक्त में यही फर्क है, इसलिए अभी भगवान अवतीर्ण होने वाले, जब भगवान अवतीर्ण होने वाले इस जगत में साधारण कोई मंत्री आए तो उनके लिए कितने स्वागत होता है। अभी विश्व ब्रह्मांड का मालिक अभी अवतीर्ण होने वाले, इसलिए यहाँ पर एक श्लोक को द्वारा कहते हैं, बोले ब्रह्मा भवश्चतथैव मुनिभिः नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गिभिः प्रश्नमर्दयत्। इस श्लोक में कहते हैं, कहते विशेष करके आकाश में जो मेघ छा जाए, कहते चार व्यक्ति विशेष करके खुश होते हैं। कौन कौन खुश होते हैं? कहते एक खुश होता है किसान, दूसरा व्यक्ति खुश होता है मयूर, हमारे सब पंडित लिखते हैं चाकर, और एक मोर। कहते ये विशेष करके ये चार व्यक्ति, हाँ कहते विशेष करके ये चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कौन प्रसन्न, बोले ब्रह्मा, विशेष करके ब्रह्मा प्रसन्न हुए। बोले ब्रह्मा क्यों प्रसन्न हुए, बोले ब्रह्मा ये किसान है, ब्रह्मा ये किसान, ये विश्व ब्रह्मांड उन्होंने सृष्टि की। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी बड़े बड़े दैत्य लोग आकर के राजा रूप में, जितने दैत्य लोग आकर के जगत में सब के सब अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे मार रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा किसान है क्योंकि जगत को सृष्टि किया। लेकिन जब उन्होंने काला मेघ जब देख लिया, जैसे किसान कोई खेती बोया लेकिन अगर बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, सब के सब खत्म हो जाएगा। लेकिन किसान जब बारिश को देखता है बड़ा प्रसन्न हो जाता है, आकाश में मेघ छा गया, अभी बारिश ही होगी तो मैंने जो वृक्ष लगाया जो खेती किया अभी खेती में पानी पड़ कर खेती बढ़िया खेती होगा। इसलिए कौन खुश होते, किसान। यहाँ पर किसान कौन है, पितामह ब्रह्मा, ब्रह्मा भी खुश हो गए। क्यों, अभी ये काला मेघ मतलब कृष्ण आने वाले आकर क्या करेंगे, दुष्टों को विनाश करेंगे, भक्तों को ये पालन करेंगे। बोले दूसरा व्यक्ति कौन खुश होता है, कहते श्री, कहते ये मयूर खुश होता है। बोले मयूर कब नृत्य करता है, बोले आकाश में जब काला मेघ छा जाए, जब गड़गड़ गड़गड़ शब्द हो, रिमझिम रिमझिम बारिश हो ना,
तब ये मोर पंख खोल करके बड़ा सुंदर नृत्य करता है। कहते ये मोर स्वरूप कौन है, बोले भवस्व शिव है। शिव बड़े संतुष्ट हो गए, बोले शंकर जी क्यों संतुष्ट हो गए। कहते जो नंदीश्वर पर्वत है ब्रज में, नंदीश्वर पर्वत शंकर स्वयं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए ये नंदीश्वर पर्वत रूप में प्रकट हुए। ठाकुर जी कब आएंगे और मेरे ऊपर में ठाकुर जी प्यारी प्यारी मीठी मीठी ठाकुर जी लीला करेंगे। फिर शंकर जी फिर जोगी बन करके शंकर जी दर्शन करने के लिए आएंगे शंकर जी है, इसलिए और जोगी रूप धारण करते हुए शंकर जी ठाकुर को दर्शन करने के लिए आएंगे। जब दर्शन करने के लिए आएंगे उसी समय बास बैठ करके धुन जमा करके वहीं पर त्रिशूल गाड़ कर बैठ जाएंगे। तो जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना, हटने वाला नहीं है, मैं हटने वाला नहीं। मैया बोली इधर निकालूंगी नहीं, हमारे चार दरवाजा है, दूसरे दरवाजे हम निकाल दूंगी लाला को। बोले मेरा भी चार स्वरूप है, मैं भी छोड़ूंगा नहीं, चार रूप लेकर के चार दरवाजा में बैठ जाऊंगा, जब निकालूंगा तब दर्शन करूंगा। बोले मेरे 11 दरवाजा, बोले मेरे भी 11 रूप है, 11 रुद्र बोलते हैं ना, 11 रुद्र, मेरे भी 11 रूप है, 11 रूप लेकर के 11 दरवाजा में बैठ जाऊंगा, हाँ लाला को छोड़ूंगा नहीं, दर्शन करूंगा। इसलिए फिर बड़े कष्ट से क्या होता है, फिर मैया जसोदा जब कृष्ण रोने लग जाते हैं, कहते हैं बाबा आंख बंद करके लगता है लाला को बिल्कुल जादू टोना कर रहे हैं, कहते लाला को दर्शन वगैरह जाएगा नहीं। मैया बड़े कष्ट से ले आती है, ला करके फिर कृष्ण को दर्शन करता है। दर्शन करते हुए शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते लाला पर लाला के ऊपर बड़ी जल्दी नजर लग जाती, कोई उपाय है, बोले बढ़िया उपाय, बोले बता दो। बोले लाला को जब स्नान कराओगे वो चना में तो ला कर मेरे सर पर डालकर, बोले और क्या, बोले जब वो खा करके पतले में छोड़ देगा उसका प्रसाद दे देना। अभी भी नंदगांव इसको बोलता है, इसलिए शंकर जी बैठे हुए क्यों, ठाकुर जी की चरणामृत मिलेगा, ठाकुर जी की प्रसाद मिलेगा, ठाकुर जी का दर्शन हमें मिलेगा। इसलिए यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कौन प्रसन्न होते, श्री भोले बाबा, बोले भोले बाबा की यहाँ पर संतुष्ट हो गए। कहते कहते मुनि भीर है, कहते विशेष करके श्री नारद जी संतुष्ट हो गए। बोले नारद जी संतुष्ट क्यों हुए, बोले आकाश में मेघ देखने पर कहते एक चातक एक चिड़िया होता है चकोर, कहते वो किसी नदी का पानी, किसी तालाब का पानी, किसी कुआ का पानी, सरोवर का पानी नहीं पिताएंगे, कौन सा पानी पिताएं, वो स्वाति नक्षत्र का पानी पिताएं। जब बारिश हो तो इसलिए हर समय ये जो चातक प्यास आम प्यास आम हर समय प्यास से प्यास बोलकर चित्कार करते रहता है, वो किसी का पानी नहीं पीता है। इसलिए उदाहरण देते हैं, कोई एक गंगा किनारा में किसी वृक्षों के ऊपर में कोई एक चातक चिड़िया बैठा हुआ था, एक बहेलिया ने उसको बाण मारा, बाण मारते ही इतने में पूरा गिरा गंगा पानी में, लेकिन गिरते ही ना मुंह झट बंद कर दिया। वो गंगा पानी होने पर भी उनका एक स्वभाव है, वो स्वाधीन नक्षत्र का पानी के बगैर और कोई पानी हो पिता ही नहीं, वो मुंह बंद कर दिया है ऐसे। इसलिए कहते चातक है, बोले चातक कौन है, बोले श्री नारद आदि ये जो ऋषि लोग ये चातक है, मतलब क्या, जैसे चातक ही दूसरे पानी को पिता नहीं, उसी तरह जो भक्त लोग है वो भगवान की कथाओं को छोड़ करके और किसी की कथाओं को नहीं सुनते हैं, ठाकुर का लीला दर्शन को छोड़ करके और कोई लीला दर्शन नहीं करते हैं। इसलिए कहते ये श्री कौन है, बोले ये नारद आदि ये भक्त वृंद। इसलिए एक दिन श्री नारद जी आए कर कहां पर, बोले ब्रज में आए ठाकुर को दर्शन करने के लिए। उन्होंने देखा मैया ने बड़े सुंदर उनको श्रृंगार करके रखा था, लेकिन उनको श्रृंगार किया था मिनट में जाकर के धूल में लौट को उठा कर कृष्ण आ गया। बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, इतने में नारद दर्शन करने के लिए आए थे, बोले मेरे को गोद में ले ले, बोले तू गंदा बचा है, अभी अभी तेरे को मैं स्नान कराया, कितना सुंदर श्रृंगार की, और तू जाकर के मिनट में सब धूल में लौट को उठा करके एकदम आ गया, तेरे को गोद में नहीं लेता। इतने में कृष्ण मचल रहे, बोले एक बार ले ले, बोले नहीं गद्दा तू बच्चा है, तेरे को मैं गोद में नहीं लूंगा है। इसलिए नारद तो देख देख करके आश्चर्य हो रहे, बोले हे भगवान जिनको हम भजन करके जिनके चरणों को हृदय में स्मरण करने के लिए इतने तपस्या करते हैं, आज ये स्वयं माँ की गोद में चढ़ना चाहते हैं लेकिन मैया उनको गोद में नहीं ले रही। तो मैया कितने भाग्यवान ये मैया है,
कहते श्री नारद आदि ऋषि लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। बोले चौथा व्यक्ति कौन प्रसन्न होता है? बोले दावा नगर में दग्ध हाथी है। जब जंगल में आग लग जाए हाथी को बड़ा कष्ट होता है, हाथी इधर उधर भागता रहता है। इसलिए लेकिन कब वो शांत होता है? अग्नि जब घनाघोर बारिश हो ना तो आग अपने आप बुझ जाती है, बुझ जाती है। कभी यहाँ पर ये कौन है? कभी ये सबके सब इंद्र चंद्र आदि देवता जिनको ऊपर में बड़े बड़े दैत्यों का आक्रमण होता है, वो मारे मारे भागते फिरते हैं, मारे मारे भागते हैं। लेकिन जब देखा कृष्ण रूपी में प्रकट हो गए, बोले अभी कोई चिंता नहीं, ठाकुर जी आ रहे हैं, सारे राक्षसों को वध करेंगे और सबको शांत कर देंगे। इसलिए यहाँ पर सबके सब प्रसन्न होकर के बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्री नंद के की जय। सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे और इतने में ठाकुर जी आने वाले हैं, इतने में 133 करोड़ देवता सबके सब आ करके ठाकुर जी की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य स जोनीतम सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक शरणम प्रपद्ये। सारे देवता लोग भगवान को सत्य सत्य बोल करके स्तुति कर रहे हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं ये श्लोक में भगवान को? इतना नाम सत्य व्रत त्रिसत्य परम सत्य, ये अलग अलग सब नाम कह रहे हैं। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्यों देवता लोग भगवान को अलग अलग नाम कह रहे हैं, इसी विषय पर क्या बोलना चाहते हैं हम उसको कल सुनेंगे। आज एक प्रोग्राम है, शुरू हो गया क्या? उनका एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में हम लोग जाएंगे कल से इसको बात को सुनेंगे। ठीक है, बोले किसी नंद के लाला की जय। हाथ कराओ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे Thank you.
Thank you.
भाई, गौरव में वाले।